अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं करीम दाऊद लिमरा टाइम से। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो एक्सपेंस गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और अभी अभी खबर मिली है कि मतलब जो विदेश में भगोड़े थे, जो हिंदुस्तान का पैसा लेकर बाहर भाग गए थे, उनको सरकार ने माफ़ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ का मतलब माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे मतलब मोदी भक्त जो है थाली पीट रहे हैं, हाथ थाली बजा रहे हैं और प्लेट और चम्मच बजा रहे हैं, और पीछे से मोदी साहब ने वो पूरे जो जितने लोग ने पैसे लेके भागे थे, हिंदुस्तान का पैसा जो लेकर भागे हुए थे, उनको माफ़ कर दिया। तो ये जानकारी किसी के पास नहीं थी। तो ये मतलब ये एक तरफ से मतलब कोरोना कोरोना करके डरा रहा, और पीछे से मतलब कहीं ना कहीं घोटाला चालू है। जैसा मोदी साहब की आदत है हमेशा मतलब आगे कुछ और रखने का और पीछे कुछ और रखने का, तो उसी तरह ये और एक घोटाला एक सामने आया कि उनके पूरे पैसे मतलब 50 बिजनेसमैन के 68,000 करोड़ रुपया माफ़ किया गया है। और दूसरा पॉइंट है पीएम केयर फंड। ये मैंने मतलब मोदी साहब के राज में पहली बार सुना है, पीएम केयर फंड नाम का एक चीज़ बना है। क्योंकि बचपन से मैं जब से देख रहा हूँ, कोई भी डिज़ास्टर आता है, नेशनल डिज़ास्टर मतलब कोई भारत में कोई डिज़ास्टर आता है, जैसे भूकंप सुनामी वगैरह कुछ आता है, तो वहाँ पे क्या होता था कि पीएम रिलीफ फंड के नाम से एक वो होता था। मतलब पीएम के लिए अगर कोई चैरिटी करना चाहता है तो पीएम रिलीफ फंड के नाम से एक अकाउंट दिया जाता था, वो अकाउंट में पैसा डालने को बोला जाता था। हर न्यूज़ चैनल के ये प्रचार होता था। लेकिन अभी मोदी साहब ने ये क्या किया, पीएम केयर नाम का एक फंड निकाला, एक अकाउंट निकाला है, एक एनजीओ क्रिएट किया है। एनजीओ क्रिएट करके ये अकाउंट क्रिएट किया है, ये एनजीओ क्रिएट किया है ताकि पब्लिक का पैसा इसके अंदर जाए। और साथ ही साथ में दूसरा एक इसमें और एक पॉइंट ये है कि मतलब अगर कोई चीफ मिनिस्टर फंड को कोई, अगर फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर फंड को कोई फंड देता हूँ, तो मुझे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी अगर एनजीओ, कोई भी अगर कंपनी कोई फंड देता है तो वहाँ पे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का एक एडवांटेज मिलता है, जहाँ पे उनकी ब्रांडिंग हो सकती है या फिर उनको टैक्स में कोई माफ़ी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर को पे करता है या डोनेट करता है तो उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ पीएम केयर में फ़ंड डालना पड़ेगा, मतलब मोदी साहब के हाथ में डायरेक्ट देना पड़ेगा। और ये जो एनजीओ है पीएम केयर, ये टोटल बीजेपी की बॉडी है। इसके अंदर जो एनजीओ क्रिएट किया गया और इसके अंदर जो पैनलिस्ट है वो पूरे बीजेपी की बॉडी है, इसमें कोई आउटसाइडर नहीं है। तो मतलब यहाँ पे, और दूसरा एक चीज़ है कि इस पे ऑडिट भी नहीं होगा, पहली चीज़, क्योंकि इसे ऑडिटेबल होना चाहिए, मतलब पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है ये ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये ऑडिटेबल भी नहीं है, मतलब ये पीएम केयर का कोई ऑडिट भी नहीं कर सकता है, ना सीएजी ऑडिट कर सकती है, ना सीबीआई, ना कोई डिपार्टमेंट इसको इन्वॉल्व होकर इसको ऑडिट कर सकता है। जो पीएम रिलीफ फंड था उसमें कोई भी ऑडिट कर सकता था, मतलब हर एक को रिपोर्ट मिलता था और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी रहता था। लेकिन यहाँ पे पीएम केयर फंड में, यहाँ पे कहीं किसी को डेटा नहीं मिलेगा कि पैसा कितना आया और कितने लोग को इन्होंने पैसा बांटा है। तो सीएम केयर में अगर फंड देते हो तो आपको सीएसआर का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। मतलब मोदी साहब ने पूरे प्लानिंग से ये स्ट्रेटेजी बनाया ताकि कोई सीएम को फंड ना दे, सब सेंटर को फंड दे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और ये पूरे मोदी भक्त को ये नहीं पता है कि इनकी जेब पीछे से काटी जा रही है। अभी जो भगोड़े को भगाया गया, इनकी जेब काट रही है, मोदी भक्तों की जेब काटी जा रही है, इनको पता भी नहीं चल रहा। और ये एकदम खुशी मना रहे हैं क्योंकि ये गोबर से भरे हुए हैं, मतलब सर पे दिमाग नाम का चीज़ तो नहीं है। रही बात, अभी बात करते हैं कोविड-19। कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019, ये उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद कोविड-19 का जो किट आया था, जो चाइनीज़ किट इन्होंने ऑर्डर किया था, वो चाइनीज़ किट में एक्यूरेसी नहीं बता रहा है। मतलब बता रहा है कि अभी पॉजिटिव है पेशेंट को, जब चेक कर रहा है तो पॉजिटिव बता रहा है, फिर दो दिन के बाद में नेगेटिव बता रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो किट भी फॉल्टी किट है, मतलब गलत किट है, जो प्रॉपर नहीं बता रहा। तो इसमें टेस्ट के चक्कर में कितना टेस्ट किया जाएगा। और रही बात अगर टेस्ट, जो चाइनीज़ किट उन्होंने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर भी अभी कैंसिल कर दिया है कि मतलब वो किट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल दिया है। और चाइना ने इसको क्लियरली खारिज कर दिया है कि हमारे किट में कोई फॉल्ट नहीं है। ये चाइना ने भी बयान दिया है कि हमारे किट में कोई फॉल्ट नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि मतलब अगर टेस्टिंग की बात की जाए, 130 करोड़ आवाम में अभी ऑन एन एवरेज 30,000 लोग का डेली चेकअप हो रहा है, उसमें से कुछ लोग डिटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर पूरे 130 करोड़ का अगर चेकअप कराना है तो उसमें से
पर डे में अगर 1 लाख का भी चेकअप होता है तो भी 15 से 20 साल टाइम लग जाएगा चेकअप कराने में, क्योंकि जो एवरेज के हिसाब से 30,000 का चेकअप हो रहा है। एक्चुअली चेकअप ज़्यादा होना चाहिए, ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए ताकि इजीली डिटेक्ट हो जाए, इजीली डिटेक्ट होकर उसको क्वारंटाइन में रखा जाए। मालूम पड़ते पड़ते हमको 10 से 15 दिन लग जाता है क्वारंटाइन, ये मतलब कोविड-19 का इफेक्ट है क्या नहीं है वो मालूम करते करते हमको इतना वक्त लग जाता है। और भक्तों को मतलब आँख खोलने की ज़रूरत है, अभी ऐसा टाइम है कि भक्तों अपनी आँख खोलो और देखो और समझो, कोरोना के नाम पे कुछ और चल रहा है यहाँ पे, तो भक्तों को समझाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भक्तों तो समझने को रेडी नहीं है। उसके बाद में मैंने फिर से मतलब जो कार्टून नेटवर्क है उसको बाहर निकलते हुए देखा, मतलब पहली बार उसको रोड पे या इस पे देखा। कार्टून नेटवर्क मैं बोल रहा हूँ कि अर्णब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। अर्णब गोस्वामी जब रोड पे खड़कर जब पुलिस स्टेशन में 12 घंटे तक का उनसे पूछताछ हुई, तब उनको पता चला कि भाई पुलिस स्टेशन में ऐसा भी होता है। जब एक मोदी भक्त, एक अर्णब गोस्वामी खुद 12 घंटे पुलिस चौकी के चक्कर काटते हैं, तब उनको पता चलता है कि 12 घंटे का इन्वेस्टिगेशन होता है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं वो। तो मतलब इनके अभी इनका जो आरोप है वो भी गलत आरोप है। अगर सोनिया गांधी ने अटैक करवाया होता तो शायद से कुछ और किया होता। सोनिया गांधी ने अटैक करवाया है, क्योंकि सोनिया गांधी से इसका ताल्लुकात ही नहीं है। अब इसको क्या है कि मतलब इसकी जो फेक न्यूज़ है ना वो पूरे बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। जिस तरह तबलीगी जमात के ऊपर एक ने फेक न्यूज़ चलाया था वो हो गया, फिर उसके बाद में साधुओं के ऊपर इन्होंने जो पालघर में जो इंसिडेंट हुआ था साधुओं के ऊपर, उनके ऊपर फेक न्यूज चलाया था। ये फेक न्यूज फट रहा है, जो रिपब्लिक नाम है इन लोग का, रिपब्लिक न्यूज, वो खराब हो रहा है। तो इसके वजह से इसको कोई चारा नहीं मिला टीआरपी के लिए। अभी टीआरपी गैदर करने के लिए इसने क्या किया कि रोड पे आके सोनिया गांधी चिल्ला रहा है। तो सोनिया गांधी चिल्लाने से पूरी देश की नज़र इसके ऊपर होगी, ऐसा इसको लगता है। लेकिन एक्चुअली सब ने इसको इग्नोर किया, क्योंकि मालूम है कार्टून नेटवर्क का एक कार्टून है, क्योंकि इसके ऊपर इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये खाली मतलब क्या बोलते हैं ना कि बकचोदी के अलावा कुछ नहीं करता है। ये वन साइडेड बात करता है तो कोई इसकी न्यूज़ को पसंद ही नहीं करता। ये हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के सेकुलर ही नहीं, ज़्यादा इसको इंटरनेशनल लोग भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये मीडिया कर्मी नहीं है, ये आतंकवादी है, ये झगड़े लगवाता है, ये दोनों पार्टी को बिठा के झगड़े लगवाता है। और एक चीज़ दोस्तों, जो भी डेबिट में बैठता है, जो मुस्लिम बैठता है ना, वो हमेशा उसको नोटिस करना, वो राष्ट्र मुस्लिम मंच का आदमी होता है, मोस्ट ऑफ राष्ट्र मुस्लिम मंच का आदमी होता है, जो जवाब नहीं दे पाता है और जवाब नहीं देने के लिए आता है ताकि वो कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट किया जाए। एक डमी पीस बिठा देते हैं, दाढ़ी लगा के टोपी लगा के डमी पीस को बिठा देते हैं ये मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, लेकिन एक्चुअली वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो प्लानिंग करके आता है, वो सैलरी पेड होता है, मतलब पैसा लेकर आता है बीजेपी से, आरएसएस से, कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं खाली आप लोग बोलते रहना, मैं सुनते रहूंगा। तो वो डेबिट का मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक हॉनेस्टी और एक एथिक्स नहीं है डेबिट में क्या होता है कि दोनों प्रॉपर वेटेज वाले पर्सन को होना चाहिए। जिस तरह हमारे ओवैसी साहब है, जिस तरह हमारे और एंकर और जो एमआईएम के दूसरे वकार साहब है, या फिर वारिस पठान है, तो ये लोग डेबिट में एकदम परफेक्शन बोलते हैं, जैसे इलियास शराफुद्दीन साहब है। तो ऐसे कोई डमी पीस को लेकर बिठाकर और उससे मुसलमान करते हैं, वो बाद में कुछ नहीं बोलता है, सब हाँ हमारी गलती है, माफ़ी मांग लेता है और उसको दबा देते हैं, तो वो आके बाहर अपनी सैलरी उठा लेता है। लेकिन पूरे देश को क्या लगता है कि मुसलमान की गलती थी, लेकिन एक्चुअली गलती हमारी होती नहीं है। दूसरा एक चीज़ है कि मतलब तबलीगी जमात के ऊपर ऐसा क्रिटिसाइज किया, ऐसा लग रहा था कि मतलब तबलीगी जमात ने दिल्ली में ना बैठ के एक तैयार किया था कोरोना वायरस को, लैब में बैठ के एकदम तैयार करके कोरोना वायरस को फैलाने के लिए लोग ने मतलब क्या बोलते कोरोना जिहाद निकाला था। तबलीगी जमात को इतना क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन धीरे धीरे पूरे न्यूज़ चैनल ने धड़ल्ले से चलाया वो न्यूज़ चैनल, तो चलाया मतलब सेंटर में बैठ के जो अहदे पे बैठा है ना बीजेपी के पोस्ट में, जो अहदे पे बैठा उसने बैठकर ये बोला कि तबलीगी जमात पे नज़र रखो, तबलीगी जमात पे चेकअप कराओ, तबलीगी जमात पे ये करो। मतलब इन लोग का भी ये प्लान था कि मतलब कहीं ना कहीं जो नमस्ते ट्रंप का जो प्रोग्राम था अहमदाबाद में, वहाँ से फैला है ये, एक्चुअली वहाँ से फैला है, आप लोग थोड़ा रिसर्च कीजिए, वहाँ से फैला है। नमस्ते ट्रंप का नाम का एक अहमदाबाद में प्रोग्राम चलाया गया, वो प्रोग्राम में 25,000 लोग को एक जगह पे जमा किया गया। वो टाइम था कोरोना फ्लू फैलने का, वहाँ से फैला है। आज भी मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि मुंबई सेकेंड नंबर पर होगा, अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पर होगा 100%, क्योंकि गवर्नमेंट आंकड़े छुपाती है। आप लोग ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट आंकड़े छुपाती है, और मुझे फुल ऑफ डाउट है अहमदाबाद में ज़्यादा कोरोना के इन्फेक्टेड केसेस ज़्यादा है।
उसके बाद में अभी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो देखा कि मतलब जो आरएसएस के विंग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, हर हॉकर्स के पास जो फुटपाथ में धंधा लगाते हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, उन लोग के पास जाके अपना भगवा झंडा लगा रहे हैं। मतलब भगवा झंडे से ये पता चलेगा कि ये हिंदू है, हिंदू की दुकान से खरीद सकते हैं, ये मुसलमान है, मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदना है, और मुसलमान को धंधा लगाने भी नहीं दे रहे, फल फ्रूट बेचने भी नहीं दे रहे। और जितने भी मतलब जो थूक लगाया था, थूका था, ये किया था, वो किया था, सब मुस्लिम पे आरोप लगा रहे थे। मतलब पूरे आरोप को फेक न्यूज ने एक ही क्लिप में पूरे 9-8 फेक न्यूज को चलाकर पूरा लोग खात्मा कर दिया। तो मतलब वहां पे भी लोग की दाल गली नहीं, उसके बावजूद आरएसएस अभी नए स्ट्रेटजी में क्या उतरी गई, सब जहां पे जो फल फ्रूट वाले हैं उनके पीछे मतलब भगवा झंडा लगा दे ताकि सब खरीदारी को मालूम पड़े कि ये हिंदू है, इससे खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स नेचुरल होते हैं, और उसको घर पे आके धोकर ही खाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि कच्चा खा जाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना स्कूल में सिखाते ना कॉलेज में सिखाते, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये नहीं सिखाया जाता है, उसको धोकर ही खाया जाता है, क्योंकि वहां पे जंगल में ये उगते हैं तो वहां पे बहुत सारे गंदगी होती है। तो जाहिर सी बात है आपका अगर आपको हाइजीनिक होना है तो आपको धोकर ही खाना है, ना उसमें थूकने का कोई डर होगा, ना उसमें कुछ सेफ्टी होने के चांसेस होंगे। तो ये मोदी भक्त मतलब अपने आप को इतनी क्रिएटिव समझते हैं कि अपने आप को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट से ऊपर समझते हैं, नासा के साइंटिस्ट के ऊपर समझते हैं। मतलब एक्चुअली लोग के सर में गोबर भरा हुआ है, उसके बावजूद ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि मतलब एकदम क्या बोलते हैं, मुंबई के लैंग्वेज में हम लोग इसको चूतियापा बोलते हैं, एग्जैक्टली चूतियापा बोलते हैं। उसके बाद दो तीन साधु को मार दिया गया था पालघर में, ये मैं बता रहा हूँ शायद से 7 दिन पहले का इंसिडेंट है। वो साधु को मारने के बाद में, वो इंसिडेंट होने के बाद में 2 घंटे बाद पहला न्यूज चला कि मुसलमान थे। ये लोग को मतलब दंगे करवाने में इतना एक्साइटमेंट होता है, खास करके जी टीवी को और रिपब्लिक टीवी को दंगे करवाने में इतने एक्साइटमेंट होते हैं, लोगों को सिर्फ मौका चाहिए मतलब चलाने के लिए। जिस तरह मतलब जैसे कोरोना का फ्लू स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, लिटरली अंताक्षरी खेल रहे थे। जी टीवी से आज तक का अंताक्षरी चल रहा था, यहां से कोई लास्ट वर्ड होगा वहां से वो गाना शुरू करेंगे, रूबी का लियाकत। तो लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, और मुद्दे के बाद में फिर ये जैसे कोरोना फैला, फिर जैसे उसमें मतलब मुस्लिम नाम का एक स्पाइस मिला तबलीगी जमात, तो वहां के लेके लोग ने पूरा पहाड़ खड़ा करना कोशिश की, लेकिन एक्चुअली वो पूरा का पूरा फ्लॉप गया। मतलब एक्चुअली बोल सकते हैं वो नाक के बल गिरे, लेकिन उसके बावजूद भी बेशरम मीडिया है। मतलब मीडिया को मैंने कितनी क्रिटिसाइज किया फिर भी लोग अक्कल नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने लिटरली मुझे कॉपीराइट्स किया है, मैंने जब उसके बारे में बोला, उसकी फोटो यूज की, उसका वीडियो यूज किया, तो लिटरली मुझे कॉपीराइट्स मारा है। मेरे पास एविडेंस भी है, मेरे चैनल को उसने कॉपीराइट्स मारा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे डिफेम भी करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और मेरा ईमान अच्छा है और मैं अपने ईमान पे हूँ, मैं अपने स्टैंड पे हूँ। तो ये था दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।